नमस्कार बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। कुछ उदाहरण से समझिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्व सर्व मतलब सभी, नाम का मतलब सब, एक नाम सभी का नाम। तो इस सर्वनाम इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो सर्वनाम जो शब्द है वो किसी भी स्थान पर किसी के भी नाम के साथ में प्रयुक्त होते हैं, मतलब किसी भी नाम के स्थान पर उसकी जगह पर वो प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं, मोहन की बहन खाना बना रही है। ये 5-6 वाक्य हमने यहाँ पे प्रयुक्त किए हैं। इन वाक्यों में मोहन है वो करता है, तो मोहन के द्वारा काम किया जा रहा है, मोहन की बात यहाँ पे किए जा रहे हैं मुख्य रूप से। पहला वाक्य जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस में है, मोहन की माता जी डॉक्टर है, मोहन की बहन खाना बना रही है। यहाँ पर मोहन शब्द है ये संज्ञा है, इसका बार बार यहाँ पे प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, प्रयुक्त वाक्य में मोहन संज्ञा है, इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर अरुचिकर व कम स्तर का बनाता है। यदि हम इस वाक्य में मोहन ये जो संज्ञा है को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाएंगे। जब हम क्या करते हैं कि ये जो मोहन शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, इस मोहन शब्द की जगह हम कोई सर्वनाम शब्द यहाँ पे प्रयोग में ले सकते हैं, जिससे अब जब हम इसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो जो वाक्य है वो रुचिकर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा वहाँ पे आकर्षक लगेगा, अच्छा हमें लगेगा। मोहन ही मोहन का प्रयोग यहाँ पे जब बार बार करने से वो वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, पहले वाक्य में मोहिनी रहेगा, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। अगले वाक्य में हम बदलते हैं, मोहन की जगह वह का प्रयोग करते हैं, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस में है या पुलिस है, और उसके माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है। यहाँ पर जहां जहां मोहन था वहां वहां हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यहाँ किया है। आगे चलते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, मतलब सर्वनाम किसे कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द परिभाषा को स्पष्ट करते हैं, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए मतलब उसके स्थान पर प्रयुक्त हो उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द होते हैं ज्यादातर मतलब मुख्य रूप से, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। ये शब्द है जिनका प्रयोग सर्वनाम, ये सर्वनाम शब्द है जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। इसके शाब्दिक अर्थ को समझे तो यही प्रतीत होता है कि सबका नाम यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है। तो शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का अर्थ, सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो यहाँ पर जो मैं शब्द है वो आप किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह सकते कि मैं शब्द का प्रयोग वो ही व्यक्ति करेगा, ऐसा नहीं कर सकते। इसका प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ, इसका प्रयोग आप भी कभी कर सकते हैं, जब आपको अपने लिए बोलना हो तो भी आप इस मैं शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब जब हम सर्वनाम के प्रकारों की बात करते हैं तो सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं, मतलब सर्वनाम। तो इनमें है पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। 6 प्रकार का सर्वनाम के भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम इसको स्पष्ट करते हैं, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में तीन तरह से पुरुषवाचक शब्द आए हैं। अब हम एक वाक्य का उदाहरण के रूप में लेते हैं, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। अब इस वाक्य में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो 3 रूपों में आया है। कौन कौन से 3 रूप है? पहला है उसने,
फिर है मुझे अंत में और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक तीन प्रकार के होते हैं। जब हम इस वाक्य से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद मतलब वह कितने प्रकार का होता है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अब हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले देखते हैं उत्तम पुरुष, वक्ता। वक्ता यहाँ पे शब्द है, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, जो व्यक्ति बोलता है। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। जब कोई बोलने वाला व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है वो व्यक्ति किसी जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन शब्दों को हम उत्तम पुरुष में रखते हैं, वह उत्तम पुरुष में आते हैं। उदाहरण देखते हैं, मैं कल सुबह नानी के घर जाऊंगा, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, मेरा नाम राम है, मेरे पास 4 पेंसिल है, मैंने खाना खा लिया, मुझे पता है पिताजी विद्यालय गए हैं। ये जो वाक्य है इन वाक्यों में हमने उससे उन शब्दों का प्रयोग किया है जो एक बोलने वाला, एक जो वक्ता होता है, वक्ता स्वयं के लिए उन शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है श्रोता। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, जो वक्ताओं के द्वारा जो बात बोली जाती है उसको जो व्यक्ति सुनता है उसे श्रोता कहेंगे हम। तो श्रोता संवाद करते हैं, संवाद का मतलब बातचीत करते समय दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, एक है श्रोता एक है वक्ता। वक्ता वो जो अपनी बात कह रहा है, श्रोता जो उसकी बात सुन रहा है। अब ये बदलता रहता है, कभी वो व्यक्ति, कभी पहले वाला व्यक्ति श्रोता बनता है तो कभी दूसरे वाला व्यक्ति श्रोता बन जाता है। तो ये दोनों चीजें आपस में बदलती रहती है क्योंकि संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे हैं। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बात कर रहे हैं, बात करते समय जब वो आपस में, जब वक्ता है वो दूसरे के लिए, जो श्रोता है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन शब्दों को हम मध्यम पुरुष कहेंगे। बात करते समय या वार्तालाप करते समय वक्ता के द्वारा श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। ये शब्द कौन से हैं? ये है जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। उदाहरण देखते हैं, तू राम का भाई है, तुम स्कूल जाओगे, तुम मेरे घर आना, हम साथ मिलकर खेलें चलेंगे, तुमको अपने घर जाना चाहिए, मुझे, सॉरी, तुझे पता भी है मेरे पास कितने पैसे हैं, आप बाजार से मेरे लिए फल लाना, आपको कल मेरे विद्यालय चलना है। इन शब्दों में श्रोता के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो शब्द है तू, तुम, तुमको, तुझे, आपको, आपके। इन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया गया है तो यहाँ पे मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। जब हम बात करते हैं तो दो व्यक्ति होते हैं, वक्ता होता है, श्रोता होता है, जो आपस में बातें कर रहे हैं उस समय आप देखेंगे कि वो किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति वहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उन उस तीसरे व्यक्ति की जो बात कर रहे हैं उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग वो करते हैं उन्हें ही हम अन्य पुरुष में रखेंगे। जैसे उदाहरण, यह पुस्तक उस, यह उसकी पुस्तक है, वह कल जाएगा, उसने कल, उनसे कल मिला था, आज मिल जाएगा, इन्हें देखो हमेशा खेलते रहते हैं, उन्हें पता था हम आएंगे। तो यहाँ पर जो शुरुआत में आपने देखा कि यह, वह, उनसे, इन्हें और उन्हें, ये शब्द हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं और इन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया गया है, इसलिए इन शब्दों को हम यहाँ पे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहेंगे। अब आगे देखते हैं, पहला सर्वनाम हो चुका है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें
हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक इसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक कहलाता है। अब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति का या वस्तु का उसका संकेत करे, मतलब उसके निश्चित होने का संकेत करे, तो जब उसके निश्चित होने का संकेत होता है तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखिए, यह है मेरी पुस्तक है। मैं किसी पुस्तक की तरफ इशारा करता हूँ और इशारा करने के बाद मैं कहता हूँ, जैसे मैं आपको इशारा करूँ, यह मेरी पुस्तक है, तो यह निश्चय हो गया कि ये पुस्तक इसकी है, ये मेरी है, तो यहाँ पर ये निश्चय हो गया। वह माधव की गाय है, तो यह उस गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यह निश्चय करके करने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि वह जो गाय है वो माधव की गाय है, ये निश्चित हो गया कि वो गाय माधव की है। वह राम के भाई है, तो किसी व्यक्ति की तरफ हम इशारा करते हैं और उसकी तरफ इशारा करने के बाद में कहते हैं कि वह जो व्यक्ति है वह राम का भाई है, तो वह निश्चित कर रहे हैं हम कि निश्चितता का पता चलता है कि वह व्यक्ति कौन है, वह राम का भाई है। यह वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित कर संकेत करते हुए करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। अब जब हम निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसको संकेतवाचक भी कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वह यह इन शब्दों का प्रयोग निश्चित करने के लिए निश्चित संकेत करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित संकेत के लिए प्रयुक्त होने के कारण इनको संकेतवाचक भी कहते हैं। संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम कौन हुआ? अब हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय नाम से पता चलता है कि जिसका कोई निश्चय ना हो, मतलब जिसके बारे में कोई निश्चित रूप से कहा ना जा सके। हम देखते हैं इसमें परिभाषा में, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करवाता वह अनिश्चयवाचक आ रहा है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है थोड़ी, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है, ये दो वाक्य यहाँ पे लिए हैं। इन वाक्यों में देखिए कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, मतलब वहां पर कोई खड़ा है लेकिन उसका पता नहीं है कि वो कौन खड़ा है, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। स्वाद में कुछ कमी है, हम कुछ चीज खाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ कमी है लेकिन हम ज्ञात नहीं कर पाते कि क्या कमी रह गई। हम कुछ पकवान खा रहे हैं या फिर भोजन खा रहे हैं, उसमें देखते हैं कि जैसे ही खाएंगे वैसे ही पता चलेगा कुछ ना कुछ तो कमी है, लेकिन हम निश्चित नहीं कर पाते कि ये क्या कमी है। इसको स्पष्ट करते हैं, कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो रही है। इन शब्दों में हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है लेकिन पता नहीं कौन खड़ा है, किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तो यह निश्चित नहीं पता चल रहा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, ना ही हम उसका नाम जानते हैं। स्वाद में कुछ कमी है, तो हम देखते हैं कि जो कुछ हम खा रहे हैं उस खाने में हमें ये नहीं पता है कि उसमें कमी क्या है, तो हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं उसके। इस कारण से इस सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध नहीं होता है, क्योंकि किसी के बारे में हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते कि यह व्यक्ति है या फिर यह काम हो रहा है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चार नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध करवाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो सो उसी आदि। संबंधवाचक जिसे सर्वनाम शब्द, मतलब वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध कराए, मतलब जो काम हो रहा है उसमें उनका संबंध निर्धारित करे, उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण देखेंगे, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। सम काम हो रहा है जो कर्म करना, यहाँ पे काम हो रहा है जो काम करेगा, मतलब कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। फल किस व्यक्ति को मिलेगा? जो कर्म करेगा। बिना कर्म वाले व्यक्ति को फल नहीं मिलेगा, तो फल का संबंध यहाँ पे इससे है, काम करने वाले व्यक्ति से है, संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी वैश, जिसके पास में लाठी है उसी की वैश है, ये बलवान जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अंतिम उदाहरण है, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा आप कोई काम करोगे वैसा ही आपको फल उसका प्राप्त होगा।
यहाँ पे उदाहरणों में देखते हैं, जो उसे जिसकी उसकी जैसा वैसा, इन सर्वनाम शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है, ऐसे सब संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन शब्दों में देखा गया है कि जो सर्वनाम एक शब्द है, मतलब इनमें क्या हो रहा है कि संबंध ज्ञात हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति से या फिर सर्वनाम जो शब्द है उनका एक काम से व्यक्ति का संबंध, जैसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, फल जो मिलेगा काम करने पर जो फल मिलेगा उसका संबंध उसी व्यक्ति से है जो काम करेगा, बिना काम करने वाले को फल नहीं मिलेगा, तो संबंध यहाँ पे ज्ञात हो रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास में लाठी है उसी की भैंस है, कहने का तात्पर्य एक लोकोक्ति है, जिसका मतलब होता है कि जो बलवान व्यक्ति होते हैं वह किसी पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग हुआ है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा आप कर्म करोगे जैसा आप काम करोगे उसी के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। तो संबंधवाचक सर्वनाम में दोबारा मैं बता देता हूँ आपको कि संज्ञा व सर्वनाम के संबंध का बोध होता है, मतलब वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसका संबंध संज्ञा व सर्वनाम से प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसके नाम से हमें पता चलता है कि प्रश्न, जिस सर्वनाम में प्रश्न किया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है, इसकी परिभाषा को देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि। तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी हमारे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में प्रश्न उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, हम उन प्रश्नों को उनसे पूछते हैं, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण है, तुम क्या कर रहे हो, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उससे हम पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे हमारा जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक है, मतलब हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं। जैसे अगला उदाहरण, राम पास हो गया, अभी इस वाक्य में राम पास हो गया, अब ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्या सच में मैं पास हो चुका है, मास्टर जी का क्या नाम है, मैं कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ। तो इन पांचों वाक्यों में हम कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते हैं, तुम, गया, क्या, कौन आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पहले वाले वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग हुआ, दूसरे वाले में गया, तीसरे में क्या और कौन, अंत में कैसे, यहाँ पे तुम गलता है, गया, क्या, कौन आदि शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक के रूप में यहाँ पे हमने किया है। ये गलती से लिखा गया, तुम यहाँ पे नीचवाचक। वह सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे आप, अपना, आदि, जिससे स्वयं का बोध हो, वह नीचवाचक कहलाते हैं। नीचवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम का तात्पर्य है कि जिन शब्दों का प्रयोग हम स्वयं को प्रकट करने के लिए, मतलब स्वयं के लिए जिनका प्रयोग करते हैं, जैसे मैं अपने आप ये काम कर लूंगा, मैं स्वयं करूंगा, मैं खुद करूंगा, तो इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो इन्हीं को हम नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, पहला वाक्य है मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, तो यहाँ पे जो स्वयं शब्द है वो मैं अपने लिए प्रयुक्त कर रहा हूँ, इस कारण से यहाँ पे नीचवाचक सर्वनाम है। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, तो मैं अपनी माता की बात करता हूँ तो मेरी माता भोजन अपने आप, मतलब मैं स्वयं बनाती है, खुद ही बनाती है, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वह उनके लिए खुद के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं अपनी गाड़ी से आऊंगा, मैं स्वयं की गाड़ी से आऊंगा, मैं अपने पिताजी के साथ आऊंगा, तो यहाँ पर अपने, अपना, आप, इन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, तो वहां पर नीचवाचक सर्वनाम होता है। अपना, अपनी, मेरा, मेरी, जिस सार्वनामिक शब्दों से अपने या अपने का बोध हो उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं, मतलब अपने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है इन शब्दों को हम नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद।